हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कोई भी मशीन के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं या वाइंडिंग होती है उसके टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है। इसके तीन मेथड्स हैं और एक एक करके हम तीनों मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले यूज़ होने वाला मेथड, सबसे इजीएस्ट मेथड है, जो कि है थर्मामीटर मेथड। इसमें एक इंडस्ट्रियल थर्मामीटर लिया जाएगा और उसको मशीन के या वाइंडिंग के उस पार्ट के साथ टच किया जाएगा जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। वो पार्ट स्टेशनरी भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि स्टेटर का कोर का टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर के कोर का टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर का टॉप ऑयल का अगर टेम्परेचर लेना है या अगर हमें बेयरिंग का टेम्परेचर लेना है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है रेजिस्टेंस मेथड, और ये मेथड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। इससे जो हमें कैलकुलेशंस मिलती हैं, जो मेजरमेंट मिलती है वो बहुत ही एग्जैक्ट होती है। सो नीचे एक फॉर्मूला दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि दो टेम्परेचर दिए हैं, T1 और T2। T1 वो टेम्परेचर है जो टेस्ट से पहले है, लेकिन टेस्ट के बाद टेम्परेचर कितना होने वाला है, मान लीजिए हमें कोई मशीन 2 घंटे के लिए चलानी है, 4 घंटे के लिए चलानी है, हम जानना चाहते हैं कि वो कितनी ज़्यादा हीटअप हो रही है, तो हमको T2 जानना है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। वैसे तो फाइनल टेम्परेचर T2 जो रहेगा उसको हम थर्मामीटर से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उस कैलकुलेशन में काफ़ी एरर आ सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है, जो दिया हुआ है, इसे यूज़ करके हमें T2 काफ़ी एग्जैक्ट मिलेगा। सो T1 जो है उसको तो हम नॉर्मल थर्मामीटर से मेजर कर चुके हैं, T2 इज़ डिज़ायरेबल जो हमें जानना है। अब देखते हैं कि R1 और R2 क्या है। जो भी मशीन है उसका ऑपरेशन करने से पहले जो रेजिस्टेंस रहेगा वो R1 है, जिसको हम नॉर्मल ओम मीटर मेथड से मेजर कर लेंगे, और R2 है टेस्ट के इमीडिएटली बाद का रेजिस्टेंस। मोटर जैसे ही आप या मशीन को जैसे ही ऑफ करेंगे, उसके एग्जैक्टली साथ के साथ ही आप उसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और वो हो जाएगी R2। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर ब्रीफ में समझा देता हूँ। सबसे पहले टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो मशीन का टेम्परेचर है और जो मशीन का रेजिस्टेंस है वो आपने मेजर कर लिया, R1 और T1। उसके बाद आप मशीन को स्टार्ट कर देंगे और मशीन को ऑन रखेंगे। मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को ऑन कर देंगे, कोई मोटर है उसको ऑन कर देंगे, और उसको कब तक ऑन रखेंगे, जब तक कि आपको लगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो स्टडी नहीं हो गया, यानी कि उसमें इंक्रीज होना बंद हो चुका है, यानी कि लगा से कि हमने 20 डिग्री से टेम्परेचर स्टार्ट किया और वो होते होते 50 डिग्री पहुंच गया है, तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि वो स्टडी स्टेट पे आ चुका है। अगर आप पूछें कि एग्जैक्टली स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है टेम्परेचर की, तो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो अगर 4 घंटे में टेम्परेचर राइज जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि टेम्परेचर राइज स्टडी स्टेट कंडीशन में आ चुका है, टेम्परेचर में राइज और नहीं हो रहा है। स्टडी स्टेट कंडीशन को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर हम यूज़ करेंगे वो एक नॉर्मल थर्मामीटर हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल थर्मामीटर हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस में, उसकी मेजरमेंट में थोड़ा एरर हो सकता है, तो हम वहाँ से वो टेम्परेचर राइज ना जान के इस फॉर्मूले के थ्रू हम वो टेम्परेचर राइज को मेजर करेंगे। सो इस फॉर्मूले से आपके पास T2 आ जाएगा, और टेम्परेचर राइज जानने के लिए आप T2 - T1 करके टेम्परेचर राइज को जान सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है एम्बेडेड डिटेक्टर मेथड, और ये बड़ी मशीन्स, यानी कि एग्जांपल के लिए मोटर जो हैं, जो 1000 HP से ज़्यादा की मोटर है, या जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, उनमें यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि एक थर्मोकपल जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है सीपैक इफेक्ट से, तो वो यूज़ करते हैं, और उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही ट्रांसफार्मर के अंदर या मशीन के अंदर, कोई मोटर के अंदर, ऐसी जगह पे डाला जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा राइज होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसके टैंक के अंदर जो कोर रहेगा, कोर के पास में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, तो वहाँ पे हम एक थर्मोकपल डाल देंगे। अगर हम मोटर की बात करें तो उसकी आर्मेचर स्लॉट जो होती हैं या जो स्टेटर की स्लॉट्स होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर राइज सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हम ये थर्मोकपल इंसर्ट कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा EMF जनरेट होगी, और इस तरह से हम मशीन का जो टेम्परेचर राइज है उसको जान सकते हैं। सो आपने देखा कि कैसे ये तीन मेथड यूज करके हम किसी भी मशीन के टेम्परेचर राइज को जान सकते हैं। सो अगर आप कुछ और टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ नई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लीज़ एक बार उनको देखिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।